बूंद बूंद से सागर भरता है और चवन्नी चवन्नी करके एक चाय वाले ने इतनी बड़ी कमाई कर ली। दरअसल शुरुआत की थी चाय और भजिया बेचकर और उसके बाद धीरे धीरे कर ये व्यक्ति काली कमाई के धंधे में आ गया और फिर आलम यह है कि 2000 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। पिछले 5 दिन से प्रवर्तन निदेशालय फाइलें खंगाल रहा है, चीजें देख रहा है, एक एक चीज की तफ्तीश चल रही है और पैसा है कि बहे जा रहा है, बाहर निकलता आए जा रहा है। दो हजार के नोट से खुले करोड़ों के राज। दो हजार के नोट से 2000 करोड़ बेनकाब। सूरत के अरबपति चाय वाले का मायाजाल। दो हजार करोड़ तक पहुंची भजिया वाले की प्रॉपर्टी। सूरत के काले कुबेर और अरबपति चाय वाले किशोर भजिया वाले का मायाजाल देखकर दुनिया हैरान है। 2000 के नोट से भजिया वाले के काले खजाने के तमाम राज सामने आने लगे हैं। इस शख्स के पास 400 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। भजिया वाले के पास सूरत, नवसारी, सापुतार, मुंबई, नासिक और पुणे में करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद किए गए हैं। इनमें प्लॉट, फ्लैट और फार्म हाउस शामिल है। आयकर विभाग को किशोर भजियावाला पे तब शक गया जब उसने जनधन खातों में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा करवाई। इतना ही नहीं, 1.5 करोड़ की राशि जमा करवाने के बाद किशोर भजियावाला ने उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करवा दिया। ये खाते 1-2 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा थे। इनकम टैक्स टीम के सूत्रों के मुताबिक किशोर भजियावाले के पास से करोड़ों रुपए के जेवर भी मिले हैं। जांच टीमों को भजिया वाले के पास से 307 किलो चांदी, 25 किलो सोने की ईंट और 1 किलो रियल डायमंड की ज्वेलरी मिली है। इन सारे जेवरात की कीमत 25 करोड़ से ज्यादा है। किशोर भजिया वाला का कारोबार 25 पैसे की चाय और भजिए के थेले से शुरू हुआ था जो अब 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि इन 2000 करोड़ में आयकर विभाग को 400 से ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज, 25 किलो जितना सोना और 1 किलो जितने रियल डायमंड के गहने मिले हैं। इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने जब किशोर भजियावाले के बैंक लॉकर्स खंगाले तो वहां से भी बड़ी मात्रा में काला धन मिला। बेनामी संपत्ति की जांच में लॉकर में 1.5 करोड़ रुपए कैश मिला। ये 1.5 करोड़ का कैश 2000 रुपए की नोट के शक्ल में मिला। इसके अलावा 23 लाख रुपए के 500 और 1000 के नोट बरामद हुए। इसके अलावा 10 लाख रुपए के 5, 10 और 20 रुपए के नोट मिले। इसके अलावा 4.5 लाख रुपए के किसान विकास पत्र भी लॉकर से बरामद किए गए। काली कमाई से भजिया वाले ने न सिर्फ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और जेवर खरीदे बल्कि वो महंगी गाड़ियों का भी शौक रखता है। इनकम टैक्स विभाग की टीम के छापे में किशोर भजिया वाले के पास से टॉप मॉडल की BMW कार, टॉप मॉडल की ऑडी कार और मर्सिडीज की भी टॉप मॉडल कार मिली। अरबपति चाय वाले किशोर ने तमाम प्रॉपर्टी बेटी, बेटे और पत्नी के नाम भी करवा रखी थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो ऊंचे ब्याज पर रुपए देने के बदले प्रॉपर्टी गिरवी रखता था और कुछ दिनों बाद जब ब्याज की रकम मूल रकम से दोगुनी हो जाती थी तो लोगों को धमका कर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता था। इनकम टैक्स विभाग की हिरासत में भजिया वाले से सूरत के पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, बड़ोडा, HDFC समेत कई बैंक खातों की पासबुक मिली है। इसके अलावा उसके पास से एक बैग भरकर शेयर मार्केट के कागजात बरामद किए गए हैं। यानी भजिया वाले के मायाजाल से अभी और कई राज सामने आ सकते हैं। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चवन्नी से 2000 करोड़ की काली कमाई का महल खड़ा करने वाला किशोर भजिया वाले की कमाई आखिर खर्च कैसे होती है, हम आपको यह भी दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं इस चाय वाले के बेटे का एक वीडियो जिसमें वो एक कार्यक्रम के दौरान नेताजी पर उड़ा रहा है नोट। नोटबंदी के बीच नोट उड़ाने का वीडियो एक दो नहीं सैकड़ों नोट हवा में उड़ाए गए। ये तस्वीरें आई हैं गुजरात से।
जहां चाय दुकानदार से करीब 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने किशोर भजियावाला के बेटे का ये वायरल वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। ये है जिग्नेश भजियावाला और ये वीडियो कुछ महीने पहले सूरत में आयोजित एक लोक संगीत कार्यक्रम का है। इसमें जिग्नेश लगातार गाने के दौरान एक नेता पर नोट उड़ाता नजर आ रहा है। जिग्नेश सिर्फ पैसे उड़ाने का ही शौकीन नहीं है, बड़े और रसूखदार लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी उसके रसूख को बयान करती हैं। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली, गुजरात की तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया समेत कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं किशोर भजियावाला के काले खजाने से जांच एजेंसियों की टीम को शनिवार को 3 किलो सोना और प्रॉपर्टी के लेन देन के कागजात मिले हैं। ये तस्वीरें सूरत के उधना इलाके की हैं, जहां सूरत पीपल्स बैंक से निकल रहा है किशोर भजियावाला की काली कमाई का सबूत। कई कई थैलों में भर कर नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले तो 3 किलो सोना भी बरामद किया गया। जांच अधिकारियों को उसके बैंक लॉकर से करोड़ों की नकदी, हीरे जड़ित आभूषण, सोने के बिस्किट के अलावा 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं। सूरत से संजय राठौर के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।